मैं अल्लाह की रहमत का क्या सुनाऊं, बड़े जमाने बाद याद आया, कारून, कारून बहुत बड़ा मुजरम गुजरा है, उसने मूसा अलैहिस्सलाम पे जिना की तोहमत लगा दी थी, तो अल्लाह ने उसको जमीन में धंसाया, मूसा अलैहिस्सलाम को इख्तियार दे दिया, मूसा तुझे इख्तियार है, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने जमीन से कहा कारून को पकड़ ले, तो कारून को जमीन ने खींचा तो वो यहां तक टखनों तक अंदर गया, तो कहने का मूसा मुझे माफ कर दे, तो और पकड़ो तो घुटनों तक अंदर चले गए, मूसा मुझे माफी दे दे आइंदा नहीं करूंगा, और पकड़ो वो कमर तक अंदर चले गए, मूसा मुझे माफी दे दे आइंदा नहीं करूंगा, वो सीने का और पकड़ो वो सीने तक चला गया, मूसा मुझे माफी दे दे आइंदा नहीं करूंगा, और पकड़ो वो सारा अंदर चला गया, قارون قارون ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم। ये पूरा दो रुकू कुरान के अल्लाह ने कारून की बुराई में उतारे हैं, तो अल्लाह ने मूसा से कहा मूसा मूसा तेरी मिन्नतें करता रहा तूने माफ ना किया, मेरी इज्जत की कसम एक दफा मेरी मिन्नत करता मैं निकाल के बाहर खड़ा कर देता, कारून अरे भाई कारून, और तुम तो मोहम्मद मुस्तफा के उम्मत ही बैठे हो, वो कह रहा है कारून मेरी मिन्नत करता तो मैं निकाल के बाहर खड़ा कर देता, तेनों मैं आपे राजी कर लवा उन्हों मैं छोड़ दे बना है, पर उस मेरी मिन्नत ही नहीं की थी। तो भाई वो अल्लाह ऐसा करीम है, तो तौबा की तो सारे भाइयों ने नियत कर ली ना, टूट जाए फिर कर लेना, टूट जाए फिर कर लेना, इंसान जो है बशर जो है हो जाता है गुना, जब आंसू बहाओगे तो मेरे रब को गफूर रहीम पाओगे, मेहरबान पाओगे, करम नवाज पाओगे, शर्मों वाला पाओगे, हया वाला पाओगे, उसके दरबार में ना उम्मीदी हराम है, हराम है, हराम है। वो कहता अगर मैं किसी को पकड़ता दुनिया में फौरी पकड़ आती मेरी, तो मैं उनको पकड़ता जो मेरी रहमत से ना उम्मीद हुए बैठे। एक दफा मैं मस्जिद में बैठा था अपनी, तो चार नौजवान आए, कहने लगे जी जिंदगी में ना नमाज पढ़ी ना रोजा रखा, और उनकी उम्र थी कोई 25-30 साल के दरमियान, जिंदगी में दो रोजे रखे थे, जिंदगी में दो रोजे, और शराब पी के इफ्तार किए थे। तो हम ये समझते थे हमारी बख्शिश कोई नहीं है, हमने तो दोजख में जाना है, तो लिहाजा जो मजा हम ले सकते हैं यहां ले लें, ये हमारा जहन था। एक दफा हम गाड़ी में बैठे थे तो एक हमारा दोस्त हमारे साथ बैठ गया, तो उसने तुम्हारे बयान की केसर लगाया था, उसमें ये सारा तौबा का मजमून मैं हर बयान में बयान करता हूँ, हर बयान में बयान करता हूँ, तो कहा उसमें तुमने हमें ये बताया कि तुम्हारे इतने गुनाह हो आसमान की छत को चले जाएं तो तौबा करो तो अल्लाह माफ करेगा, तो कहने के लिए हमें पता ही नहीं था कि अल्लाह इतना गफूर रहीम, हमें पता ही नहीं था, जब हमें पता चला कि अल्लाह इतना माफ करने वाला है, वो दिन आज का दिन ना शराब को हाथ लगाया है, न किसी और गुनाह को हाथ लगाया है, ना नमाज छोड़ी है, ना रोजा छोड़ा है, पांच वक्त नमाज पढ़ रहे हैं, और रमजान करीब गुजरा था, सारे रोजे रखे हैं, सारी तरावी पढ़ी है, और किसी गुनाह के करीब नहीं जा रहे हैं। तो मेरे ये अल्लाह ने हर ईमान वाले मर्द औरत के अंदर ये ईमान का जज्बा रखा है, इसको पानी लगाओ, इसको परवान चढ़ाओ, और इसको पुख्ता करने के लिए दुनिया में फिरना है, और लोगों तक भी इस पैगाम को पहुंचाना है।